अभी तक जो प्रदेश के अंदर जितने भी लोग इस कोरोना वायरस से पीड़ित हुए हैं उनकी जानकारी भी मैं आवश्यक समझता हूं। हम लोगों ने लगभग 13,000 लोगों के ऊपर हरियाणा के अंदर अपनी निगरानी रखी हुई है। जो लोग विदेश से आए हैं अथवा विदेश के लोगों विदेश से आए हुए लोगों के संपर्क में आए हैं ऐसे 13,000 लोगों पर हमने निगरानी रखी है। बहुत से लोगों के टेस्ट हुए हैं, उन टेस्ट में अपने प्रदेश के अंदर 28 लोग ये पॉजिटिव जो टेस्ट है ये एक प्रकार से पीड़ित लोगों की संख्या मिली। लेकिन मुझे उस बात की खुशी है कि इन 25 में से 8 लोग स्वस्थ हो गए हैं और ये स्वस्थ होने की जो एक प्रकार से गति है ये अच्छी है। 25 में से 8 स्वस्थ होने के बाद आज केवल 17 ही ऐसे पीड़ित बंधु हैं जो अस्पतालों में इस समय दाखिल हैं। उनके लिए बहुत से इलाज की जो व्यवस्था की गई है उस इलाज में अच्छा इलाज करने वाले हमारे जो डॉक्टर्स हैं हमारे राष्ट्र सेवक सब उसमें लगे हैं। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, इसमें क्लास 4 के कर्मचारी हैं, अस्पताल का सब स्टाफ है, एम्बुलेंस का स्टाफ है, मेडिकल कॉलेजेस के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ ये सब लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से इनके किस प्रकार हम इस बीमारी में से इनको बाहर ला सकें ऐसी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। लोग अगर इस यानी कोई उनकी शंका होती है संभावना होती है तो उनको क्वारंटाइन में रखने के लिए भी हमने लगभग 6,500 बेड्स की ये व्यवस्था की हुई है। और यदि अस्पतालों में उनको आइसोलेशन में भी रखना होगा तो आइसोलेशन के भी लगभग 4,000 बेड्स की ये अपना व्यवस्था की है। स्थान स्थान के ऊपर अलग से डेडिकेटेड कोरोना के कोविड हॉस्पिटल्स ये भी बनाए जा रहे हैं ताकि अगर कोई स्थिति गंभीर होती है तो उनको उसके अंदर हम दाखिल करके उनकी अलग से ताकि बीमारी फैले नहीं तो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स ये भी बनाए जा रहे हैं। इसके लेबोरेटरी के नाते से इसका परीक्षण करने के लिए भी अभी तक हमारी 2 सरकारी लैब्स टेस्टिंग लैब्स स्थापित की हुई हैं। साथ ही 5 गैर सरकारी प्राइवेट लैब्स की भी हमको अनुमति मिल गई है जिसमें से 1 शुरू हो गई है और 2 या 3 बहुत जल्दी गुरुग्राम में शुरू होने वाली हैं। और इसके साथ सरकारी तौर पर भी 4 और लैब्स बनाई जाए जिसमें हिसार के अंदर अग्रसर मेडिकल कॉलेज में, करनाल के अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर और इसी प्रकार नल्लड़ में मेडिकल कॉलेज में, एक रोहतक में अतिरिक्त फैसिलिटी मेडिकल कॉलेज में और सेक्टर 6 का अस्पताल पंचकुला यहाँ भी एक अतिरिक्त टेस्टिंग लैब बनाई जाए। तो ये नई टेस्टिंग लैब के लिए भी हमने सरकार से अनुमति मांगी है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ये व्यवस्था हो जाएगी। जितने उपकरण हैं, दवाइयाँ हैं, इन उपकरण और दवाइयों के लिए भी हमने पर्याप्त व्यवस्था की है, चाहे वो PPEs हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, ब्लीचिंग पाउडर हो, इन सब की व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। इसमें कोई कठिनाई आने वाली नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से हम लोग किसी भी परिस्थिति में इस चीज़ को काबू पाने के लिए हेल्थ वाइज मेडिकल वाइज कोई भी कमी नहीं आने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस सारी अवस्था के दौरान बहुत से लोग जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, इनकी कठिनाई सबसे ज़्यादा बढ़ी है। क्योंकि भले ही उद्योग जगत को हमने कहा है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो नौकरी कर रहा है वहाँ मजदूरी कर रहा है उसको हटाना नहीं है, उसको तनख्वाह भी पूरी देनी है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी बहुत से ऐसे हजारों की संख्या में मजदूर हैं जो अपने किसी भी नौकरी के लिए या अपने काम के लिए जिनको कठिनाई आने लगी है उनकी इच्छा घर जाने की होने लगी। बहुत से लोग यहाँ से अपने अपने प्रदेश में गए भी हैं लेकिन हमारा कहना कि घर से बाहर जाना नहीं चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा कठिनाई का विषय है वो यही है कि हम समूह में कहीं भी जाएंगे तो किसी भी व्यक्ति के माध्यम से ये रोग फैल सकता है। इसलिए क्वारंटाइन में रहना, इसलिए अपने स्थान पर अपने घर में बने रहना ये आवश्यक है ताकि मजदूर अपने स्थानों को अगर छोड़ करके मानो अपने घर पर या अपने स्थान पर नहीं रह सकते हैं तो उनके लिए हमने रिलीफ कैंप्स ये स्थापित किए हैं। 437 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं जिनकी कुल कैपेसिटी 70,000 है। अभी उनमें लगभग 12,000 लोग वो रह रहे हैं। अधिक आवश्यकता पड़ेगी तो और लोगों की भी इसमें वहाँ रखने की व्यवस्था की जाएगी। उनको दिन रात उनकी संभाल की जा रही है। भोजन पैकेट्स, स्वयंसेवी संस्थाएं, वॉलंटियर्स ये सब लगे हैं, सरकारी प्रशासन ये भी खूब लगा है। तो इस नाते से ये सब के सब इस इनकी सेवा के लिए लगे हैं। किसी को कोई चिंता करने की घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे परिवार जिनको राशन नहीं मिल पा रहा था
चाहे वो बीपीएल के परिवार हों, चाहे ओपीएच के हों, चाहे अंत्योदय अन्य योजना के कार्ड धारक ऐसे परिवार हों, उन सबके लिए केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने मिल करके अगले महीने का अप्रैल महीने का जो राशन है वो डबल दिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जो पहले उनसे 2 रुपये किलो का जो पैसा लिया जाता था, इस बार वो भी नहीं लिया जाएगा। और जिनके कार्ड नहीं बने हुए ऐसे लोगों को भी हमने स्थानीय तौर के ऊपर 10 दिन का 15 दिन का राशन ये पैकेट बना करके सबको दिए जाए, ये भी व्यवस्था हमने की है। और आर्थिक सहयोग ऐसे परिवारों के लिए आर्थिक सहयोग भी हम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। इसी प्रकार कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनका बोर्ड, उसके माध्यम से उनकी सहायता, जो हमारे बीपीएल परिवार हैं उनकी सहायता, ऐसे सब लोगों की सहायता। लगभग ऐसे 24 लाख रजिस्टर्ड गरीब परिवार हैं जिनकी सहायता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अभी तक 10 लाख परिवारों को 250 करोड़ रुपए, लगभग 250 करोड़ रुपए की राशि ये वितरित की जा चुकी है। आने वाले समय में सभी 24 लाख परिवारों को कुछ ही दिनों में ये राशि पहुंचेगी। लगभग 1200 करोड़ रुपया महीने का खर्च ये हमने तय किया है कि जो ऐसे लोगों को सबको पहुंचाया जाएगा। अभी तक जो रजिस्टर्ड नहीं है 24 लाख के अतिरिक्त, ऐसे गरीब परिवार जिनकी आय 15,000 रुपये मासिक से कम है अथवा जमीन 5 एकड़ से कम है, उनको नया रजिस्ट्रेशन का मौका भी दिया गया है। आज से उनका रजिस्ट्रेशन ये चालू हो गया है, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर करने पर 1,000 रुपया प्रति सप्ताह ये आर्थिक राशि, आर्थिक धन, ये भी इनको सबको दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी कि जो प्रवासी मजदूर हैं, दूसरे प्रदेशों से यहाँ आए हैं, इनको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम इनको अपने ही परिवार का सदस्य मानते हैं, ये हमारे भाई हैं। हम इस प्रदेश के अंदर ऐसा भेदभाव नहीं होने देंगे कि कोई दूसरे प्रदेश का है या हमारे प्रदेश का है, इनको सबको अपना मानते हैं। इनकी सहायता के लिए हम हर संभव प्रयत्न करेंगे, हमारा कितना ही पैसा खर्च हो जाए, किसी प्रकार की चिंता आपको नहीं करनी है। आपके द्वारा इतने वर्षों से जो काम आप कर रहे हैं यहाँ हरियाणा के निर्माण में, आपका योगदान है, तो इसलिए आप हरियाणा के निर्माताओं में से एक हैं। निश्चित रूप से आपकी किसी प्रकार की कठिनाई, ये हमारी अपनी कठिनाई होगी, तो इस नाते से, इस विषय से हम थोड़ा और कंसर्न समझें, हम इसके साथ अपना जुड़ाव हरियाणा के साथ जोड़ के रखें। हम आपके हर समय काम या हर समय जो आपकी सहायता का हर पग उठाने के लिए तैयार हैं। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने देगा। इन सब कामों में स्वैच्छिक संस्थाएं भी लगी हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं में एनजीओस, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, प्रदेश में बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो स्वयं आगे सहायता के लिए आगे आ रहे हैं, अपनी अपनी ऑफर्स दे रहे हैं। धार्मिक संस्थाओं ने अपने बड़े बड़े भवन वो हमको कैंप्स लगाने के लिए दिए हैं, ताकि हम ऐसे लोगों के लिए वहाँ कैंप लगा सकते हैं, उनके भवनों का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार रिलीफ कैंप्स जैसा मैंने बताया, उनको चलाने में भी ये सब सामाजिक धार्मिक संस्थाएं वहाँ भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और वहाँ पर उनकी हर प्रकार के जो व्यवस्थाएं हैं उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। हमने इसके लिए कोरोना रिलीफ फंड, हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड भी बनाया है, और इस हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में लोग अपना अपना योगदान दिल खोल करके कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों में ही लगभग 2,500 लोगों ने इसमें अभी तक 21 करोड़ रुपए का योगदान किया है। छोटी राशि से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक का भी योगदान कुछ लोगों ने इसमें किया है। ऐसे सब लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ और आह्वान करता हूँ कि बहुत बड़ा एक विषय, एक कहना चाहिए आर्थिक कठिनाई का आने वाला है। इस आर्थिक कठिनाई में ऐसे सब लोगों के सहयोग के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है, और यदि पर्याप्त धन आप लोग मुहैया कराएंगे तो निश्चित रूप से आज प्रदेश, हालांकि हमारा प्रदेश आर्थिक स्थिति में अन्य सब प्रदेशों से बहुत अच्छी स्थिति में है, फिर भी आखिर जिस प्रकार की कठिनाई प्रदेश में आ रही है, इस पिछले महीने में, मार्च के महीने में जो आज समाप्त हो रहा है, लगभग 3,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कम आया है, और मैं समझता हूँ अप्रैल में तो इससे भी ज़्यादा, लगभग 6,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हमारा कम आएगा। तो 8-10 हज़ार करोड़ रुपए के रेवेन्यू की भरपाई प्रदेश अपने किसी ना किसी संसाधन के द्वारा शायद करना संभव नहीं है। इसलिए लोगों से आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर योगदान करेंगे तो हम इस कठिनाई में से पार पाएंगे। हमने इसी प्रकार जो हमारे कर्मचारी बंधु हैं, अधिकारी बंधु हैं, इनसे भी आह्वान किया है कि ये भी अपनी आय में से, मासिक आय में से जितना चाहें, जितने प्रतिशत चाहें उसका योगदान वो कर सकते हैं। इसके लिए भी हमने एक ऐप लॉन्च की है।
आखिर तो ये प्रदेश हमारा है, हम इस प्रदेश को चलाते हैं, आखिर सरकार के हम अंग हैं, सरकारी कर्मचारी सरकार का ही अंग होता है, वो स्वयं सरकार होता है। ऐसे कठिनाई के समय उसको सबसे आगे सबसे पहले आना चाहिए। मुझे अपने विधायकों पर ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे कई विधायकों ने मंत्रियों ने तो एक महीने से लेकर के एक एक वर्ष तक की अपनी जो बेसिक सैलरी है वो इसमें योगदान के लिए आश्वासन दिया है। इसी प्रकार हमारे IAS अधिकारी, उन्होंने भी कई लोगों ने कहा कि हम एक महीने से लेकर के और अधिक देने की आवश्यकता होगी, वो भी देने के लिए तैयार हैं। फिर भी एक ऐप लॉन्च किया है हमने मोबाइल पर, उस ऐप के माध्यम से अथवा ऑनलाइन उस ऐप के माध्यम से हमको एक अवसर दिया है कि हम उसके लिए अपने मासिक बेसिक वेतन में कितने प्रतिशत योगदान करना चाहते हैं, इसका एक अवसर दिया है। और 2 अप्रैल रात्रि से पहले हम इस ऐप में अपनी जानकारी देंगे तो उसका एक प्रदेश के इस व्यवस्था में कोरोना रिलीफ फंड में उसका उपयोग हो सकेगा, यह आपसे निवेदन करता हूं। हमारे यहां एक बड़ी कठिनाई जो आने वाली है वो किसानों के लिए आने वाली है, क्योंकि किसान बंधु उनकी फसल पक गई है और पकी फसल वो आखिर काट कर अनाज निकाल कर उसको बिक्री के लिए या तो मंडी में ले जाते हैं या उसको घर में लाते हैं। पिछले दिनों वर्षा ओलावृष्टि इसके कारण से भी किसान को कठिनाई बहुत हुई, उसकी स्पेशल गिरदावरी कराई गई है, जहाँ नहीं हुई है वो चल रही है। फिर भी इस पकी फसल को निकालना और उसको मंडी में लाना या उसको स्टोर करना ये एक बड़ा विषय है। हमने अनाज मंडियों के लिए इस बार प्रोक्योरमेंट का समय बदल करके इस बार 15 अप्रैल से सरसों की प्रोक्योरमेंट और 20 अप्रैल से ये गेहूं की प्रोक्योरमेंट करने का अपना टाइम टेबल बनाया है, जो पहले के वर्षों की अपेक्षा थोड़ा विलंब से हो रही है। फिर भी मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि इस बार मंडी में लाने की जल्दी न करें, चाहे सरसों हैं चाहे गेहूं हैं चाहे और कोई फसल है, इसको निकाल करके जितना ज़्यादा ज़्यादा अपने घरों में स्टोर कर सकते हैं या स्टोर करने के लिए बाकी जितने अपने साधन हैं उनका उपयोग कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो कठिनाई हमारी है ये हम आशा करते हैं कि 14 अप्रैल को समाप्त होगी, किसी कारण से कुछ दिन और आगे बढ़ती है तो उसके लिए आपका सबका सहयोग अपेक्षित है। क्योंकि इस समय हमें अनाज बेचना ये सब आवश्यक होते हुए भी प्राथमिकता है कि इस कोरोना की वायरस की बीमारी से, इस महामारी से निजात पाना, इससे मुक्त होना, ये हमारा बड़ा लक्ष्य है। तो उस महामारी को निजात पाने की दृष्टि से हमें करते हुए किसी भी प्रकार का कष्ट होता है, कठिनाई होती है, तो वो आप लोग हमारे साथ मिल करके और सहन करें। हमने फसल काटने के लिए चाहे ट्रैक्टर है कंबाइन है इनकी आवागमन को मुक्त किया है, वर्कशॉप इनको भी खोल दिया है, जो ट्रैक्टर की अथवा कंबाइन की वर्कशॉप है उनको खुला रखने के लिए कहा है। ढुलाई आदि या मजदूरों का आवागमन इसको भी इन चीज़ों से मुक्त रखा है, उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं रखा है, ताकि किसान के लिए आवश्यक जितनी भी सेवाएं हैं वो लगातार चलती रहें, हम लोग इसमें पूरा सहयोग करें, ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। अब मैं आपसे अंत में अपील करता हूं कि हम लोग जितना भी हो सके ये एक घातक बीमारी से बचने के लिए और जो मूल मंत्र है सोशल डिस्टेंसिंग का, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का, हम मन से एक हैं लेकिन शरीर से हमको अलग अलग ही रहना होगा। और इसके लिए अपने घर में रहकर एकांत में रहकर अपने दिनचर्या को इस ढंग से व्यवस्थित बनाएं कि हमारा मन में कष्ट भी ना हो, हम अपने मन को प्रसन्न रख करके संतुष्ट होकर के अनुशासन में रह करके अपने समय का सदुपयोग करते हुए समय को आने वाले 14 अप्रैल तक इसका एक जैसा अभी तक हमने सबूत दिया है उस प्रकार का एक सफलता का सबूत ये और हम दें। अभी जो पिछले दिनों में मजदूरों के पलायन की एक कठिनाई आई थी उसके और हमने पार पा लिया है और वो सब लोग हमारी इस अपील को मान गए हैं कि सब कैंपों में हैं, आने वाली कठिनाइयों को हम सबको दूर करेंगे, आप सब हमारा सहयोग करें।